हिसार की अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को 10 साल की कैद और 3500 जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की घर में अकेली थी तो तिलक नगर निवासी गुरबच्चन ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान युवक ने पीड़िता को किसी को न बताने की धमकी भी दी थी। बाद में पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना बताई और परिजनों ने महिला थाने में जाकर मुकदमा दर्ज करवाया। यह मामला 13 नवंबर 2017 का है। एडीजे पंकज की अदालत ने गुरबच्चन को 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। इस केस में जो लड़की थी विक्टिम, ये घर पे अकेली थी और ये दोषी गुरबच्चन, ये अकेली उसको घर पे पाकर और मौके का फायदा उठा के उसके घर में घुस गया और उसके साथ बलात्कार किया। इसमें धारा 376 और सेक्शन 4 पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था और महिला थाना हिसार में केस दर्ज किया गया था। इस केस में लड़की ने, उसके परिवार वालों ने और पुलिस की तरफ से कोर्ट में गवाहियां दी गई, जिसके आधार पर कोर्ट ने दोषी माना इसको, गुरबच्चन को, और 10 वर्ष और 3500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। लड़के का नाम इसमें गुरबच्चन और वो तिलक नगर हिसार का रहने वाला था। आज न्यूज़ के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।